नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स। तो ये हमने चार आलू ले लिए हैं, इसको हम छील लेंगे, इनके सारे छिलके उतार लेंगे हम। और उसके बाद ये बटाटो पीलर से हम ऐसे इसे छील लेंगे, छिलके से उतार लेंगे। तो ऐसे ही हम सबको कर लेंगे, ये बिल्कुल पतले पतले निकल रहे हैं। उसके बाद हम इसे धो लेते हैं, हम एक दो पानी, दो तीन पानी से इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये ऐसे करके हम बिल्कुल धो लेंगे। उसके बाद हम इसे छन्नी में डाल देंगे ताकि इसका जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इसे बाउल में डाल लेंगे और इसमें हल्का सा नमक हम डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार। उसके बाद चिली फ्लेक्स हम डाल रहे हैं थोड़ा सा, और ये हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे 3 बड़े चम्मच। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसमें जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। और इसे 10 मिनट के लिए हम ढक के रख लेंगे। तो ये 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे अच्छी तरह से मसल लें हाथों से। और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से निचोड़ के बिल्कुल बाउल सी बना लेंगे, जैसे बाउल होती है वैसे बना लेंगे, छोटे छोटे बना लेंगे पूरा पानी अच्छी तरह से निचोड़ के। तो ये आप देखिए, ऐसे हम बना लेंगे इसको। तो सारी ऐसे ही बना लेते हैं हम। उसके बाद हमने ये पैन रख दिया है, पैन में हम तेल डाल लेंगे। तो ये तेल गरम हो गया, अब हमने जो बॉल्स बनाई हैं उसे हम डाल लेते हैं। जितनी भी इसमें आएंगी ये हम डाल लेंगे। गैस को आप मीडियम फ्लेम पे ही रखें, नहीं तो ये एकदम से जलेंगी। तो ऐसे करके अब हम पलट रहे हैं, ये आप देखिए इसमें कलर आने लग गया है। बिल्कुल अच्छी तरह से उलट पलट के हम इसे अच्छी करारी कर लेंगे। तो ये आप देखिए बिल्कुल अच्छी करारी ये होने लग गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, हल्का सा साइड में आप रोक लें, जो तेल होगा वो निकल जाएगा। तो ये आप देखिए क्या कलर आया है इसमें, कितनी मस्त बॉलें बनी है। बिल्कुल इसे नाश्ते को आप सुबह के शाम के नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं, एक बार बना के ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।